रोडवेज बस ने बाइक सवार को सामने से मारी टक्कर, तीन की मौत। बलरामपुर मार्ग स्थित पडरी कृपाल ग्राम के पास मंगलवार की देर शाम को बलरामपुर से गोंडा आ रही रोडवेज बस ने सामने से एक बाइक पर सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें तीन युवकों को मरणासन्न हालत में जिला अस्पताल लाया गया। चिकित्सक ने दोनों युवकों को देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। एक युवक की थोड़ी देर इलाज चलने के बाद मृत्यु हो गई। घटना से कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार इटिया थोक थाना क्षेत्र के अनेकी गांव के निवासी 28 वर्षीय ननके पुत्र हरिप्रसाद, 30 वर्षीय राजेश पुत्र माधव राज, 32 वर्षीय ब्रजेश पुत्र राम सहाय निवासी खजुआ तीनों युवक एक बाइक पर सवार होकर मंगलवार के दिन गोंडा बाजार आए थे। बाजार से सामने खरीद कर वापस घर जा रहे थे। बलरामपुर से गोंडा की तरफ आ रही रोडवेज बस ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे तीनों वहीं सड़क पर गिर गए। घटना स्थल पर तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने 108 नंबर एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। लाते समय ननके और राजेश की मौत हो गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज सिंह जिला अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। तीनों शवों को पोस्टमार्टम भिजवाया। मंगलवार रहा दुर्घटना का दिन। 6 लोगों की हुई मौत, 2 की डूबने से, 3 की सड़क दुर्घटना में मौत, 1 महिला की करंट से हुई मौत।